असलम वेलकम बैक टू माई चैनल अकेडमी। जो आज हम फर्स्ट ईयर का एक और नया पेपर आपके सामने लेकर आएंगे। इसमें क्या एमसीक्यूज और क्या शॉर्ट क्वेश्चन और क्या लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने इसको देखना है और ये वीडियो के अंदर आपने पॉज करके सॉल्व भी करते जाना है। हम यहाँ पे आपको जितने पॉसिबल हैं क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको आपने सॉल्व करना है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। सो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज कुछ इस तरह के हैं, आपने इनको सॉल्व करते जाना है। अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आपके ये सारी चीजें आसान होंगी और जहाँ पे भी आप अटके हैं तो यहाँ पे आपने उसको पॉज करके प्रैक्टिस करनी है। इसको छोड़िएगा मत क्योंकि आगे आने वाले जो पेपर्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे और एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी शायद चेंज कर दिया जाए। तो आपने अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमम बिल्कुल पूरी रखनी है। जब भी पेपर्स होंगे, कोई भी पेपर पैटर्न आ जाए, क्वेश्चंस वही होंगे तो आपको सॉल्व करने में भी ईजी रहेगा। इसमें ऑलमोस्ट हर चैप्टर के ही रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा सेक्शन बी में हमारे पास इस तरह के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनकी आपने इस तरह के सवाल की तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा ये म्यू वाले सवाल हैं, इनकी पावर्स कैसे ब्रेक होती हैं, क्या वैल्यू किस चीज के बराबर है, इक्वल है, ये सारी चीजें भी आपने ध्यान से याद करनी है। उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स वाला चैप्टर भी मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आदम जी वाले पेपर में भी देखा था अभी रिसेंट कि दो चैप्टर से दो क्वेश्चन आए हुए थे और इसमें भी अगेन इसी चैप्टर से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये तो एक बात क्लियर होती जा रही है कि इस चैप्टर से आप कम से कम दो क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये सीरीज वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे से समझना है। सीरीज के अलावा फंक्शन वाला चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने हर चीज को, इंडक्शन वाला जो है इसको भी आपने मिस नहीं करना। ये जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे शेयर करते जा रही हूँ, आपने इसको पॉज करके सोल्व करना है कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आपने समझे हुए हो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रही हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का तो बकायदा इतना बड़ा पोर्शन है जो कि बहुत आसान है। आपने ये सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज ये कि ब्रेकिंग आनी चाहिए, दूसरी चीज ये कि आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए कौन सी चीज किसके बराबर है, तो आप इनको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा ये अगेन जो भी ग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो लाजमी तौर पे ग्राफ बना के आएगा और उसको अटैच भी करवाएगा, अदरवाइज आपको उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अगर ग्राफ वाला अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले से टीचर को बता देना कि हमने ग्राफ पेपर लेना है ताकि वो अरेंज करके रखें। टाइम के टाइम मांगोगे तो आपका ही नुकसान है, टीचर जो है वो आपको लेट प्रोवाइड करेंगी और आपका क्वेश्चन रह जाएगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आधे देखा गया है और ये इस पेपर में भी है, तो यानी कि आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा ये वाले ट्राइंगल्स को भी आपने देखना है, ये अगेन ट्रिग्नोमेट्री आ गई और सेक्शन सी में भी आपने इसी तरह के सवाल देखे होंगे जो आए हुए हैं। क्रेमर्स रूल आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, लाजमी तौर पर एक ना एक साल आता रहता है तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके अलावा ये क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी देखा था, इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपने इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये भी अगेन हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन वाले सवाल आ गए, ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक लास्ट पेपर में एग्जैक्टली सेम था तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये आज हमारा सेकेंड पेपर था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज में मैं मैथ्स के जितने पॉसिबल गैस पेपर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।